देखिए हमीद मियां, ये घर है, आपका कोई मिलिट्री कैंप नहीं। गर्मजोशी से काम नहीं चलेगा जलाल। सौदे में हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे चुके हैं। तो क्या मेरी पूरी जिंदगी खरीद लेंगे आप? मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने नुमैर को यहाँ सिर्फ 15 दिन की पना देनी है, और आप लोगों के बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान के साथ मेरा कोई सरोकार नहीं। सरोकार है मियां, हमारे इस जिहाद के तुम एक मुस्लिम सिपाही हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई जिहादी नहीं। तुम्हारा और इन लोगों का यहाँ आना मुझे कतई गवारा नहीं। दादा जान को इस बात की भनक भी पड़ गई तो रातों रात हम सबको जेल भिजवा देंगे। जलाल ठीक कह रहा है अजीज, यहाँ आने के बजाय अगर तुम मुझे अपने पास बुला लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अब मुझे प्रोफेसर माथुर के घर पर रहना पड़ेगा। 15 अगस्त के गेट पास के लिए अल्लाह ना जाने मुझसे क्या क्या इम्तहान लेगा, क्योंकि 15 अगस्त को फिदाई बनकर अल्लाह के पास मुझे जाना है, आपको नहीं। चले, बहुत बेस्ट हुई, आओ। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या क्या अच्छा नहीं किया? हाँ, यही कि मैं मुस्लिम यूथ लीडर रिश्वत खिलाता हूँ। मुस्लिम यूथ लीडर का नाम मत लो तुम। तुम ताहिर तैयबुद्दीन एक करप्ट मक्कार पॉलिटिशियन हो, हिपोक्रिट। ईमान और धर्म के नाम पर पैसे खाते हो और खिलाते हो, और यही बात सच है। अरे अपने प्योर इंडियन होने का ढकोसला छोड़िए रोमा दी। हैं जी, हैं? आपने सीताराम बाजार में सबके घरों में पानी का नल लगवा दिया है, और चूड़ी वाला गली में क्या किया आपने? जुल्म तो मुसलमानों को ही हुआ है ना। बताइए आप, मुसलमान का नाम क्यों लिया तुमने? हाँ, मुसलमान का नाम क्यों लिया? तुम्हारा नाम ताहिर है, ताहिर, मुसलमान नहीं। इस इलाके में लोग एक दूसरे को अपने नाम से पुकारते हैं। आज तक किसी ने एक दूसरे को मुसलमान या हिंदू के नाम से नहीं पुकारा, यू इडियट। बहुत हुआ रोमा दी, बहुत हुआ। अब यहाँ का मुसलमान आपके और तमाचे नहीं खाएगा, समझ गई आप? ए हाकिम, अगर रोमा जी के खिलाफ जबान खोली ना, तेरी जबान खींच लूंगा। ओ पंडित, चैलेंज मत देना। अरे ओ मौलाना, खून हो जाएगा। आजी तो हो जाने दो, हम सब तैयार है। क्यों भाई हो? देखा, हिंदू हिंदू ही निकला ना। तुम ड्रामे को गलत मोड़ पर मत ले जाओ, आई एम टेलिंग यू। और तुम लोग अगर हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हो ना, तो ठहरो, एक मिनट ठहरो। राहत, राहत, इधर आओ तुम। ये है राहत, मेरा मुंह बोला भाई, मेरा भाई हिंदू है। हाँ नुमैर, इधर आओ ना तुम। ये है नुमैर, नुमैर काजी, नुमैर काजी मेरा भाई है। ये हिंदू है, ये लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर में आते जाते हैं। बताओ ना इन्हें, बताओ ना इन्हें, हम लोग क्या हैं, कैसे लोग हैं, बताओ ना नुमैर इन्हें। ये क्या हो रहा है, पागल हो गए तुम लोग सब? What is this nonsense? वापस लो अपने चाकू छुरे, वापस लो, और पीछे हटो, पीछे हटो। आपकी बीबी की जबान को जरूरत से ज्यादा खुलने लगी है प्रोफेसर साहब। खुलेगी, जरूर खुलेगी। ये आदमी यहाँ के एमएलए को रिश्वत खिलाता है, और यही सच है। Shut up, Roma. For God's sake, shut up. देखो भाई, अगर आप लोगों की ये सीन करना है ना, तो सबसे पहले ये छुरा मेरे सीने में चलाओ, मेरे सीने में चलाओ। किसी मासूम का खून करने से पहले 2 सेकंड के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचो, कभी किसी का खून नहीं कर पाओगे। लेकिन माधुर साहब, आप अपनी बीवी को तो समझाइए। अरे मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे। चांदनी चौक में कभी ऐसा हुआ है ना होगा, और ना मैं कभी ऐसा होने दूंगा। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देते आप। चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। सुनो, अरे सुनो आप लोग, गफार भाई का इंतकाल हो गया, दिल का दौरा आया उन्हें, गफार भाई चले गए, गफार भाई नहीं रहे।
जिसे लोग कहते हैं हिंदुस्तान, यही अपने ख्वाबों का प्यारा जहां है। कई मजहबों का यहाँ एक निशान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। रोमा भाभी, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि 15 अगस्त की सिक्योरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं इंडिपेंडेंस डे कमेटी का मेंबर जरूर हूं, पर आतंकवादियों के बढ़ते हौसलों को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं ये कह रही हूं कि टेररिस्ट और अच्छे परिवार के बच्चों की पहचान हमें ही होनी चाहिए ना। अब अच्छे बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है। रोमा प्लीज, देखिए चंद्र भैया, बात सीधी है। अगर आजकल के बच्चे देश की कमजोरी से मायूस हो जाते हैं तो उन्हें देश की ताकत का भी तो अंदाजा होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? आपकी, मंत्री जी की। रोमा, कैन आई टॉक? बोलो। मैं ये कहना चाहता था। मैं समझ गया राजन भैया, आप ये कहना चाहते हैं ना कि इन्हें भी आपके परिवार के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, यही ना? जी, आई विल ट्राई, पर मुश्किल है। लेकिन आप ट्राई तो कीजिए। ये फाइल देखिए, इसके सारे डॉक्यूमेंट इसी में है और इसकी कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा चंद्र भैया, अगर इस बार 15 अगस्त में मैं ना जाऊं तो मेरी जगह तो ये जा सकता है ना? अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना? रोमा भाभी, आप बहुत सिद्धि हो। वो तो हूं। दयाशंकर, 15 अगस्त न्यू एंट्री पास, सेंडिंग द बॉय टू यू, प्लीज वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट। तो तुम्हारे माता पिता गुजरात के दंगों में जला दिए गए और तुम बच गए। मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। गुस्सा है? नहीं, दुख है। तो दुख कैसे कम होगा? प्रोफेसर माथुर का हाथ है ना मेरे सर पर। दैट्स गुड। ओके, ऑल द बेस्ट, जाओ। शुक्रिया। अरे सुनो, मेरी बीवी कल मथुरा वृंदावन से लौटी है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों से छुए मंदिर के पेड़े हैं, खाओ। अरे भगवान का प्रसाद है। इमोशनल हो गए यार। मां की याद आ गई, वो भी आप ही की तरह प्यार से खिलाती थी। आंखों में आंसू आती है, मां की याद आती है। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। क्या दया, रिपोर्ट तैयार हो गई? हाँ हो गई। मुझे ये सारी चीजें शॉर्ट लिस्ट करके दो। बिल्कुल, A to Z। बिल्कुल। ஐந்து பஞ்சு இனம்லத் ஐந்தா துருஸ்த் ஹுப் துருஸ்த் ஜப் தும் VIP ஏரியா மே பேட்டோகே பஸ் தும்ஹாரி ஜேப் மே யா ப்ரொஃபெசர் கி ஜேப் மே इस पेन का होना जरूरी है। इस पेन में लिक्विड बॉम्ब है। अगर हम इसे निकालकर पीछे के हिस्से से घुमाते हैं, डेटोनेटर को दबाते हैं जिससे ट्रांसमिशन ऑन हो जाएगा। VIP एनक्लेव में तुम्हारे साथ 300-400 लोग उड़ेंगे और धमाका कुछ इस तरह का होगा। ये रहे दो पेन, एक असली, एक बॉम्ब।
और प्रोफेसर की जेब में इस पेन पर कोई शक भी नहीं करेगा। सर एक मेरे लिए एक आपके लिए। ये क्या है भाई? देखो रोमा, ये नुमेर हमारे लिए क्या लाया है? जी खुद के लिए खरीद रहा था तो आपकी याद आ गई। इतना महंगा तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा 15 अगस्त के बाद कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लो ना। तोहफा क्या है नुमेर? जी माथुर साहब ने ही तो कहा था कि तोहफे रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिए जाते हैं। भाई इतने प्यार से लाया ठीक ही तो है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर। अरे हाँ, याद आया मुझे, दिल्ली के मशहूर राज्यसभा एमपी वाजर साहब, उन्होंने हमें दावत पे बुलाया, तुम भी चलना हमारे साथ। सर मैं क्या करूँगा जाक? जाओ ना, जाओगे वीआईपी लोगों से मिलोगे तभी तो रिश्ते बनेंगे और अच्छी नौकरी मिलेगी। अब ये 15 अगस्त का पास जो तुम्हें मिला है वो भी अच्छे रिश्तों की वजह से ही मिला है ना। हेलो वाजर साहब, मैं आप ही की बात कर रहा था अभी। हाँ हाँ जनाब, जरूर 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 आ रहे हैं। सर भी आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ सुनाना चाहती हो? सुनाओ।